Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and you are watching Newsviews and Updates. और आज इस मूवी का टीजर हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका नाम है सांड की आंख। I mean, काफी डिफरेंट है सांड की आंख। बिल्कुल, मतलब होता है ना, वैसे मैंने कभी सुना नहीं है सांड की आंख, फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ। लेकिन इस मूवी की अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में है तापसी पन्नू, भूमि, प्रकाश एंड विनीत कुमार सिंह। और अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर हैं तुषार हिरानंदानी, और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उनमें है अनुराग, रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड निधि। And this movie is going to release on 25th October 2019. Bole, start with the teaser. हम सब ने आज तक दादी नानी से तो बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर आज मैं आपको अपनी दादियों की कहानी सुनाऊंगी। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर। निशान ना लेते वक्त हमने बस चिड़िया की आंख देखनी, अर्जुन के तरिया। ना डॉक्टर, हम अर्जुन ना है, मन ना दिखे चिड़िया की आंख, मने तो सांड की आंख दिखे। क्यों जीजी, क्या कहो अंग्रेजी में? बुल्स आई। मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर, लाऊंगी रे मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर लाऊंगी रे। सांड की आंख जो पाऊंगी रे, सांड की आंख जो पाऊंगी रे, मैं उड़ता तीतर। आज का टीजर जो था वो वाकई काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी टीजर और ट्रेलर देखे हैं, लेकिन ये काफ़ी एक डिफरेंट, यानी कि एक डिफरेंट किस्म की बायोपिक है। हाँ, मतलब रूरल एरिया की जो दो बूढ़ी औरतें हैं उनके बारे में बनाई है, सीनियर सिटीजन जो हैं उनके बारे में बनाई गई है। बिल्कुल सही बात है। और अगर इस ट्रेलर की टीजर की बात करें, इसमें तापसी पन्नू और भूमि जो है उनका जो मेकअप हुआ हुआ है, जो बूढ़ी आंटियां लग रही हैं, काफी अच्छा यानी कि मेकअप किया गया है उन्हें। और अगर हम तापसी पन्नू की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वो काफी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करती हैं। आई मीन यू नो, हम लोगों ने बिल्कुल, वैसे मुझे तो ज्यादातर यही लगा कि उन्होंने जितने भी रोल्स किए ना आज तक, वो सारे उन्होंने ना ज्यादातर ये सीरियस टाइप की हैं। हाँ, मतलब सस्पेंस थ्रिलर या फिर सीरियस टाइप इस तरह की उन्होंने फनी मूवीज उनकी थोड़ी हैं, लेकिन उनकी मूवीज की ये बात होती है कि जितनी भी वो मूवीज करती हैं वो सारी होती बहुत अच्छी हैं। वही बात कर रही हूं कि करैक्टर बहुत अच्छा था, होता है ना दमदार जानदार। पहली मूवी मैंने इनकी देखी थी पिंक, ठीक है ना, उसमें भी इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इनका जो रोल था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था उस मूवी में। अगर हम वैसे तापसी की भी बात करें तो जैसे हम कंगना के बारे में बात करते हैं या विद्या बालन के बारे में बात करते हैं कि यू नो वो अकेले मूवीज में उनके कैरेक्टर इतने पावरफुल होते हैं कि अकेली ही मूवी को लेकर चलते हैं। मतलब तापसी भी उन्हीं एक्टर्स में आती हैं। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ी सी बात करें यू नो अब टीजर की, तो टीजर में जो दोनों आंटीज मुझे, मतलब सीनियर सिटीजन यहाँ पर, तो हम लोग जो इतने होते हैं उनको तो अम्मा जी बोलते हैं, ये जो हाँ दो अम्मा जी हमें नजर आ रही थी, आई मीन वो मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट की याद आ गई, क्योंकि आई थिंक ये वही वाली अम्मा जी हैं जो कि यू नो ठीक है शूट करती थी वहां पर भी। सही, मैं भी वो पर काफी मेरे पहले की बात है, मेरे ज़हन में नहीं है, वैसे भी ये याद है कि आई थी मुझे, हाँ आई थी, लेकिन ये नहीं याद कि उन्होंने किस तरह अपने जो है स्टंट्स परफॉर्म किए थे। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने इन्हें जो है न्यूज में देखा था कि इस तरह दो आंटीज हैं वो जो है शूट करती हैं, और मुझे देख बहुत हैरानी थी, बहुत अच्छा भी लगा था कि इस एज में कि आपने गन चलानी है तो आपको बहुत एक स्टैमिना चाहिए। देखो परफेक्ट, हाँ निशाने, निशाने वो निशाने। भी बहुत परफेक्ट है। और अगर हाँ नहीं, मुझे मैं ये बात बोल रही थी कि मतलब मैंने न्यूज में तो नहीं, जब मेरा हाल में इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने देखा था, और वहां पर यू नो इनके गेटअप से जैसे हम लोग टीजर में देख रहे हैं तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद ये वही वाले हैं। हाँ, मे भी हो सकता है। और अगर जैसे टीजर में दिखाया गया काफी यंग एज से उन्होंने शूटिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और उनके निशाने भी काफी पक्के हैं। तो बेसिकली जो मूवी है आई थिंक वो उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने शुरू
शुरू से उनकी लाइफ थी, यू नो, उनकी यंग एज से फिर बुढ़ापे तक, फिर कैसे वो लाइमलाइट तक में आई, कैसे वो आई थिंक कोई जो भी सर थे बीच में, यू नो, वो आई थिंक वही उनको लेकर आते हैं. और अगर बात की जाए दोनों कैरेक्टर जो हैं बीच में दिखाए हुए हैं, ये भाभी और नंद है. तो फिर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है और इतने अच्छे तरीके से साथ चल रही है. लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा एक ट्विस्ट लगा. मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना बीच में थोड़ा सा ऐसे, यू नो, बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन कुछ इस तरह का, आई गेस बिफोर पार्टीशन मुझे वैसे जो इस तरह का कुछ सीन नजर आ रहा, जहाँ पर वो एक वो काफी घर में होते हैं और गन्स वगैरह चल रही होती है. मुझे वैसे वो पार्टीशन के टाइम का नहीं, मुझे वो घरेलू झगड़ा टाइप लगा, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि मेडल्स भी फेंके हैं. अच्छा, मैं तो मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा मे बी बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन का थोड़ा सा मुझे शायद इस तरह के लग रहा है कि वो थोड़े पुराने ख्याल के लोग होंगे जो इस चीज को अच्छा नहीं समझते होंगे, औरतें घर से बाहर निकले. कुछ इस तरह का सीन, जैसे वो यू नो पिक्चर्स लेने लगते हैं, पिक्चर ले रहे होते ग्रुप पिक्चर, बिल्कुल, और उसमें जब वो घूंघट उड़ाते थे तो नीचे करो, यू नो, पुराने जमाने की औरतों को अलाउ किया जाता था कि आप अपनी चेहरे दूसरों को दिखाएं. एनीवे, अभी थैंक गॉड हम इतने पुराने जमाने में नहीं. बिल्कुल सही बात है. लेकिन वो भी बहुत अच्छा टाइम होता था. लेकिन अभी भी इस तरह के लोग होंगे, टाइम विल नो डाउट लोग उस तरह के होंगे, लेकिन ना उस टाइम का जो प्यार है ना वो अब खत्म हो चुका है. मिस करते हैं, मतलब वो एक लोगों का यू नो खालिस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ बहुत, हम अपने बड़ों से सुनते थे ना, इसलिए मुझे याद है इस तरह की चीजें. तो एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी. और इसी के साथ हम इजाजत, हमारी वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को करें शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स. टिल देन, गुड बाय.